आप देख रहे हैं अमेज नाउ। रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार सावन की पूर्णिमा के दिन पूरा देश ही नहीं विश्व समुदाय मनाता है। इस त्यौहार का अपना एक आध्यात्मिक महत्व भी है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय परिवार गोरखपुर आश्रम की बहनें बीके सुनीता और उनके तमाम सहयोगियों ने रक्षाबंधन के मौके पर SSB, HURL और जिलाधिकारी समेत जनपद के आला पुलिस अधिकारियों को सादगी, पवित्रता और जिम्मेदारी का बोध कराने वाला रक्षा सूत्र उनकी कलाइयों पर बांधकर उनके उज्ज्वल और स्वस्थ भविष्य की परमपिता परमेश्वर निराकार शिव बाबा से प्रार्थना की। ऐश्वरी परिवार का ये काफिला सबसे पहले सशस्त्र सीमा बल के DIG, उनके माथत अधिकारियों और जवानों के माथे पर स्मृति का तिलक लगाकर उनकी कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधा। दुनिया के अंदर दुख और अशांति बढ़ता जा रहा है। आपस में स्नेह नहीं है, प्यार नहीं है, एकता नहीं है। घर घर में दुख और अशांति का वातावरण है। परमात्मा ने एक ऐसा रिश्ता बनाया, उस रिश्ते का इतना सुंदर महत्व है कि हम जब भी कहीं पर भाषण करने जाते हैं तो क्या कहते हैं, ये भाई और बहनों, बाकी सभा में जो भी उपस्थित है हम उनका नाम लेते हैं। पर यही एक ऐसी त्यौहार है जहाँ पर स्वयं परमपिता परमात्मा ने ऐसा बंधन, पवित्रता का ऐसा बंधन बांधा हुआ है। बाकी सारे त्यौहार देवी देवताओं के ऊपर मनाए जाते हैं, देवी देवताओं के ऊपर सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, लेकिन ये भाई और बहन का जो प्यार है, जो संबंध है, जो त्यौहार है, वो बस एक ऐसा संबंध है जो परमात्मा ने स्थापित किया है, पवित्रता का संबंध। स्थित HURL कैंपस में अधिकारी गणों के बीच पहुंचकर तिलक लगाया और कलाइयों पर राखी बांधी गई। गोरखपुर के ADG जोन अखिल कुमार, मंडलायुक्त गोरखपुर रवि कुमार NG, SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर, SPCT कृष्ण विश्नोई समेत जिलाधिकारी कृष्ण करुणेश को भी अपनी शुभकामनाएं दी और उनकी कलाइयों पर राखी बांधी। इस मौके पर जिलाधिकारी को ब्रह्मा कुमारी परिवार की बहनों द्वारा निराकार शिव का चित्र भेंट किया गया। जिलाधिकारी ने भेंट स्वीकार कर अपनी तरफ से टेराकोटा से तैयार श्री गणेश की प्रतिमा इन बहनों को भेंट की। इस मौके पर BK अप्रतिम अंचल, BK सुशीला, BK कंचन, BK नीरू और BK प्रिया मौजूद थीं। इसके अलावा हुमायूंपुर केंद्र पर रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। यहां भी राखी बंधवाने वालों का तांता बना रहा। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय परिवार हुमायूंपुर केंद्र प्रभारी BK सुनीता बहन ने इस मौके पर रक्षाबंधन के आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डाला। बहन भाई का दुआओं और प्यार का त्यौहार है। बहन भाई को राखी बांधती है, दुआओं भरी राखी, प्यार भरी राखी, स्नेह भरी राखी, मस्तक पर स्मृति का तिलक लगाती है और मुख मीठा कराती है। ये त्यौहार तो ऐसे भाई बहन का कहने के लिए है, लेकिन ये त्यौहार का मतलब है कि आज सभी मनुष्यात्माएं पतित हो चुके हैं और स्वयं परमपिता परमात्मा पवित्रता का सागर पिता परमात्मा आकर के हम सभी मनुष्यात्माओं को पावन बनने की पवित्रता की राखी बांधते हैं। पहले तो हम स्व की रक्षा करें, धर्म की रक्षा करें और राष्ट्र की रक्षा करें। उसके लिए हम अपना बुद्धि का योग परमात्मा के साथ जोड़ें और परमात्मा को अपना साथी बना करके, और ये ईश्वरीय राखी जो है, ये पवित्रता की राखी पूरे विश्व के अंदर
हम ब्रह्मा कुमारी बहने मनाती हैं कि सभी मनुष्य आत्माएं पावन बने, पावन दुनिया में आने के लायक बने और जीवन को श्रेष्ठ बनाए, ये पवित्रता का राखी। इसी वजह से हम बड़े स्नेह से प्यार से मनाते हैं और सभी को दुआएं देते हैं। ये राखी है पवित्रता की राखी। बहन भाई को दुआएं देती हैं, प्यार देती हैं, स्नेह देती हैं, कहीं पर भी रहे स्वस्थ रहे सुखी रहे। ऐसे तो देखा जाए कि सभी त्यौहार जो है ना देवी देवताओं के ऊपर हैं, पर ये भाई बहन का जो त्यौहार है वो स्वयं परमात्मा ने उस पर निर्धारित किया हुआ है। यही एक ऐसा त्यौहार है जो बहन भाई के लिए बना हुआ है। ये पवित्रता का त्यौहार, दुआओं का त्यौहार। ओम शांति। देखते रहिए अमेज नाउ। आप देख रहे हैं अमेज़ नाउ।